ओके सो हेलो एवरीवन वेलकम टू आशीष मलिकास का बहुत बहुत स्वागत है यह है मिशन यूपीएससी सी एस सी हम बात करेंगे पांच और के क्वेश्चंस की तो ज्योग्रफी आप जानते हैं कि यारियम्स आने वाला है और प्रिलियम्स के लिए जितनी क्वेश्चंस हो सके उतने क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करेंगे ज्योग्राफी को इसके साथ साथ मैं हिस्ट्री के क्वेश्चन भी बहुत जल्दी अपलोड करना स्टार्ट करूंगा इस यूट्यूब चैनल पे तो सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं और आज इस वीडियो के बाद एक और वीडियो भी लाइव होगी ठीक साढ़े दस बजे तो so, सभी लोग जो है स्टे विद वीडियोस और शुरू करते हैं आज का डे नंबर नंबर यानी क्विज 33, जो है ज्योग्राफी के पांच क्वेश्चंस के बारे में वीडियो को आखिर तक देखिएगा वीडियो के अंत में कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके लिए आपके बहुत काम आने वाली है पहला सवाल इंडियन जोग्राफी से है मेघालय प्लेटू के बारे में मेघालय प्लेट्यू हैज हाईली इरोडेड सरफेस एंड सम प्लेसेस आर डिड ऑफ वेजिटेशन मेघालय प्लेट्यू आपको माना जाता है जिन दोनों के बीच में राजमहल गारो गैप आता है ये बड़ा ही इरोडेड हाईली इरोडेड सर्फेस है बहुत सारा इरोजन यहाँ देखने को मिलता है कई कई जगह तो यहाँ पे कोई वेजिटेशन भी नहीं है क्या कारण हो सकता है इस चीज का जबकि आपको यह भी पता है कि यहां पे चलो अभी अभी नहीं बताता फिर आपको रीजन पता बता रीजन पता चल जाएगा बताओ उसका क्या ABCRD, क्या है है ए बी सी डी मेजर जोन इसलिए ऐसा है क्या यहाँ पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है क्या प्लेट मूवमेंट से टेक्टोनिक मूवमेंट से यहाँ पे प्रॉब्लम है या फिर रेडियो एक्टिव मटीरियल्स का यहाँ पे इशू है क्या कारण है कि इरोजन बहुत है और वेजिटेशन है नहीं ज्यादा मेघालयन प्लेट्यू पे देखो भाई इनमें से कोई भी रीजन आपका नहीं है अगर आप देखोगे तो सो so, यहाँ पे जो आंसर होगा दैट हैज टू बी मेघालय प्लेट्यू के बारे में आप याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है आपने नाम सुना होगा चेरापुंजी का चेरापूंजी हो गया उसके अलावा मोसिन राम ये दो है इन, पूरे दुनिया के दे आर कंसिडर टू बी द वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ है ना सबसे ज्यादा यहाँ बारिश होती है और बारिश का ही रीजन है जब बहुत ज्यादा जरूर से ज्यादा आप अंदाजा लगाओ कि यहाँ जो बारिश है वो कम से कम 1100 सो सेंटीमीटर से ज्यादा की बारिश है इतनी ज्यादा बारिश की वजह से इतना इरोजन होता है और इरोजन हो जाएगा जो है सॉइल फर्टाइल रहेगी नहीं सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो जाएगी इसलिए वेजिटेशन भी कोई नहीं होती तो कारण जो है इसका है इसका आंसर है बी क्वेश्चन नंबर वन का क्वेश्चन नंबर टू आपके सामने क्वेश्चन नंबर टू में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग

सुलर इंडिया आर हाईली प्रोडक्टिव जबकि नॉर्दर्न इंडिया एल्केलाइन और अनप्रोडक्टिव क्या ये डिफरेंस है ये नहीं है सॉइल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया वॉल्केनिक है पेनिंसुलर जियोसिनक्लाइन ये तो ऑपोजिट है वैसे नॉर्दर्न इंडिया की जो सॉइल है वो जियोसिनक्लाइनिक है और पेनसुलर में ब्लैक सॉइल वगैरह आपकी वॉलकैनिक है तो ये भी उल्टा यह भी रीजन नहीं होगा आंसर है यहाँ पे सी पेनसुलर इंडिया की जो सॉयल है वो मेनली बनी है ऑफ रॉक्स इन अपनी उसी जगह पे पत्थरों का डीकम्पोजिशन होने से बेस्ट एग्जाम्पल समझ लो ब्लैक सॉइल लेकिन नॉर्दर्न इंडिया की जो सॉइल मिट्टी जो है वो एग्रेडेशनल सॉइल है उसका नाम है ए ग्रेडेशनल सॉइल क्योंकि वो बनी है डेपोजिशनल वर्क ऑफ द रिवर इसीलिए यहाँ पे आपको एलुवियल सॉयल ज्यादा देखने को मिलती है एलुवियल सॉइल इंडिया के 40 परसेंट हिस्से को कवर करती है थर्ड लार्जेस्ट आपकी ब्लैक सॉइल है तो ये सही है दैट इज एप्सोलूटली करेक्ट ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है इंडियन सॉइल्स को वैसे मैं आपसे एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ लेता हूँ अगर मैं बात करूं इंडिया की मेजर सॉइल्स की तो आप मुझे बता सकते हैं कि इंडिया की कितनी और कौन कौन सी मेजर सॉइल्स है अगर बता सकते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर आंसर देना ताकि आपको अपना नॉलेज टेस्ट करने का मौका मिले क्वेश्चन नंबर तीन आपके सामने क्वेश्चन नंबर तीन कहता है

तो इस केस में आंसर क्या होगा ए बी सी आर डी तो ये आंसर सही है भाई तीनों ही सही है जब हम लोकल क्लाइमेट की बात कर रहे हैं देखो जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज है ये इंडिया में विंटर प्रेसिपिटेशन लेकर के आती है लेकिन पूरे इंडिया में नहीं लाएगी अगर ये इंडिया का मैप आप देख रहे हो तो इंडिया के वन फोर्थ हिस्से में यहाँ बारिश लेकर के आएगी ट्रॉपिकल मानसून के टाइम पे जब हमारा साउथ वेस्ट मानसून का टाइम होता है उसमें ट्रॉपिकल डिप्रेशन होते हैं बिल्कुल उसका भी असर पड़ता है डेफिनेटली पड़ता है डिप्रेशन का मतलब पे लो प्रेशर सिस्टम है तो पड़ेगा बिल्कुल ट्रॉपिकल में क्या है जब नॉर्दर्न uh, प्लेन्स पे आएगी तो उससे भी लो प्रेशर क्रिएट होगा तिब्बत भी लो प्रेशर क्रिएट करेगा ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट भी लो प्रेशर क्रिएट करेगी तो सारे रीजन है बिल्कुल एब्सोल्युटली तो आंसर यहाँ पे होगा डी वन टू एंड थ्री डिटेल्स पढ़नी है तो पीडीएफ से आप बाद में पढ़ सकते हो क्वेश्चन नंबर चार दामोदर रिवर के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है आपको बतानी है फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है दामोदर ऑक्यूपाई करती है ईस्टर्न मार्जिन को छोटा नागपुर प्लेटिन ये फ्लो करती है रिफ्ट वैली से बका बाराकर और शारदा इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है दामोदर नदी के बारे में तो अच्छा एक इंपॉर्टेंट सवाल है और बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन है बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है आप मुझे बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए ए बी सी या डी तो यहाँ पे अगर आप आंसर इसका दे रहे हो आंसर

जब मैं बात करता हूं दामोदर की ट्रिब्यूटरीज की तो शारदा नदी महाकाली रिवर ये जो दो एक इसी का दूसरा नाम है कि आप शारदा रिवर कह लो या महाकाली रिवर कह लो इसको कभी कभी काली गढ़ या काली गंगा भी कहते हैं उत्तराखंड के टाइम पे वो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे ठीक है तो बराकर एक यहाँ पे इसकी मेन ट्रिब्यूटरी होगी ये जो दूसरी आपकी शारदा जो रिवर का नाम लिया शारदा तो उत्तराखंड में है छोटा नागपुर तो लार्जली झारखंड आप समझ लो है ना तो बाराकर तो नदी है इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है लेकिन शारदा नदी इसकी बिल्कुल ट्रिब्यूटरी नहीं है वो तो काली गंगा है जो उत्तराखंड में इनफैक्ट ये शारदा महाकाली ये वो रिवर है जो इंडिया नेपाल का बनाती है बाउंड्री बॉर्डर बनाती है और इस शारदा रिवर महाकाली और काली गंगा कुछ भी कहो इसके ऊपर इसी पे तो डिस्प्यूट है इंडिया नेपाल का ये अपना कोर्स बदलती है जिस वजह से इंडिया नेपाल के बॉर्डर में अभी इशू चल रहा है तो ये ऊपर वाला ध्यान रखो कि बराकर एक इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है शारदा का छोटा नागपुर प्लाट्यू के पास दामोदर का कोई लेन देना नहीं है पांचवा और आखिरी सवाल सवाल है अबाउट द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलिनिटी सैलिनिटी के वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है सरफेस से लेकर के बॉटम तक की सेलिंडी की बात कर रहा हूं मैं ओशन सरफेस से ओशन बॉटम की बात कर रहा हूं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है नंबर वन सेलिनिटी सरफेस पे डिक्रीज होती है बाय लॉस ऑफ वाटर टू आइस अगर पानी लॉस हो जाए पानी बर्फ बन जाए तो सेलिनिटी कम हो जाएगी सरफेस पे सेलिनिटी एट डेप्थ इज वेरी मच फिक्स जितना नीचे जाओगे आप लगभग लगभग सेलिनिटी आपको उतना फिक्स मिलेगी बिकॉज देर इज नो वे दैट वाटर इज लॉस्ट और सॉल्ट इज एडेड हेलो क्लाइंट is a distinct zone where salinity increases sharply. तीनों में से क्या सही लगता है क्या आपको हिसाब से सही होना चाहिए देखो फर्स्ट स्टेटमेंट तो है गलत ठीक सेलिनिटी सरफेस पे अगर पानी का हो रहा है लॉस लॉस ऑफ वाटर हो रहा है तो सेलिनिटी कभी भी डिक्रीज नहीं होगी सेलिनिटी हमेशा इंक्रीज होगी ये एक फैक्ट समझ लो किसी भी कारण से अगर पानी का लॉस हो रहा है पानी के कम होने से देखो सॉल्ट तो सेम है ना सॉल्ट थोड़ी ना चेंज हो रहा है सॉल्ट इज अनचेंज्ड सॉल्ट इज सेम अगर सॉल्ट सेम है पानी कम हो गया पानी की बर्फ बन गई तो वॉल्यूम में फर्क पड़ गया ना तो बाय डिफॉल्ट सेलिनटी विल इंक्रीज खारापन बढ़ जाएगा पहले को हटा दूं तो मेरे पास आंसर आ गया सी टू एंड थ्री है बिल्कुल सही है एक लेवल के बाद होता क्या है आप एस डायग्राम बनाओगे सेलिनटी का सेलिनटी ऐसे पहले थोड़ा डिक्रीज होती है ठीक है ये हो गया आपका 200 मीटर तक ऐसी फिर आपकी धीरे धीरे कम होगी फिर एक लेवल के बाद सेलिनिटी फिक्स हो जाएगी करीब करीब 1500 सौ मीटर के नीचे एकदम ऑलमोस्ट कांस्टेंट चलती है सेलिनिटी थोड़ी सी जो डिफरेंस आपको मिलेगा वो बिल्कुल नीचे को मिलेगा जहां जहाँ पे मिड ओशनिक रिजिस से जो निकलता है आपका लावा निकलता है उसकी वजह सेटी ऐड होती है और ये भी आपको पता होना चाहिए कि भाई सेलिनिटी है क्यों पानी के अंदर Salinity होने का कारण क्या है ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है कॉज बिहाइंडी हमको मालूम है हम कहते हैं ऑफ़ बट वाई एंड हाउ कॉज क्या है कारण क्या है क्यों है? क्यों ये salinity? इसका रीजन आपको होना पता होना चाहिए इट इज सब मरीन और अंडर मालूम होना चाहिए कि ये सब मरीन या अंडर वाटर वॉलकैनिज्म की वजह से सेल आपकी होती है तो यहाँ पे फर्स्ट को हटा दो बाकी सही है तो आंसर हाँ आपका होगा सी उम्मीद करता हूं कि पांचों सवाल आपको आए होंगे पसंद अगर ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस को करने हैं प्रैक्टिस तो आप मेरी ज्योग्राफी की बुक जरूर रेफर करें ये प्रिलियम्स में आपको बहुत काम आने वाली दोस्तों प्री और मेंस दोनों के क्वेश्चन इसमें है ये इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक है स्पेशल डिस्काउंट पे अवेलेबल है लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर देखना ये बुक आप रेफर जरूर कर सकते हैं अपनी जोग्राफी के फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और अगर मेरे से जोग्रफी हिस्ट्री एथिक्स और करंट अफेयर लाइव पढ़ने हैं तो अकाडमी को आप कर सकते हैं सब्सक्राइब आज रात बारह बजे से पहले सब्सक्राइब करोगे आशीष मालिक रेफर कोड का इस्तेमाल करोगे तो 10 नहीं 20 परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा लेकिन ये सिर्फ रात 12 बजे तक है तो 12 बजे से पहले पहले सब्सक्राइब कर लो अगर कोई डाउट है तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम आईडी डी यहाँ पे दी हुई है प्लस और कॉम्बो के प्राइसेस ड्रॉप हो जाएंगे बीस परसेंट पैसा जो है वो कम हो जाएगा लेकिन रात बारह बजे से पहले पहले सब्सक्राइब कीजिए नए बैचेस शुरू हो रहे हैं दो फरवरी से तो मिलते हैं दो फरवरी अन अकेडमी प्लस पे इंडियन हिस्ट्री का कोर्स स्टार्ट कर रहा हूं मॉडर्न इंडिय, मॉडर्न इंडिया का तो मिलेंगे आप लोगों से अन के बैचेज में थैंक यू सो मच गॉड मेस यू टेक केयर